हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अचानक मौत से नरेंद्र मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सरकार के सामने इस वक्त जनरल बिपिन रावत के निधन से खाली हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नई नियुक्ति का मसला है। मोदी सरकार के देश के सैन्य ढांचे में सुधार की प्रक्रिया शुरू करने के बाद से सीडीएस का पद बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। देश के पहले सीडीएस होने के नाते जनरल बिपिन रावत तीनों सशस्त्र बलों को साथ लाने और विश्व की बड़ी सेनाओं की तर्ज पर थिएटर कमांड स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसके अलावा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के भी भरोसेमंद थे। मोदी सरकार के फैसलों में यह स्पष्ट झलकता था। जनरल बिपिन रावत की भारतीय सेना प्रमुख के तौर पर नियुक्ति के वक्त मोदी सरकार ने उन्हें सेना के दो वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर वरीयता दी थी। जनरल रावत को 2016 में सेना प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया था और फिर उनके इस पद से सेवानिवृत्त होने के एक दिन पहले जनरल रावत को दिसंबर 2019 के अंत में सीडीएस नियुक्त किया गया था। सीडीएस के तौर पर जनरल रावत की नियुक्ति का एक बड़ा कारण भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों से निपटने के उनके अनुभव को भी माना जाता है। खबरों के मुताबिक सरकार अगली सीडीएस की नियुक्ति एक हफ्ते के अंदर कर सकती है। सीडीएस के चयन के लिए कोई निश्चित नियम अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सीडीएस को लेकर फैसला सरकार सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लेती है। तीनों सशस्त्र सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौसेना का कोई भी कमांडिंग ऑफिसर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र है। सरकार को सैन्य अधिकारी की योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर निर्णय लेना होता है। सीडीएस पद के लिए व्यक्ति की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवने जनरल बिपिन रावत के बाद सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी है। जनरल नरवने का भारतीय थल सेना प्रमुख के रूप में अप्रैल 2022 तक का कार्यकाल है। जनरल नरवने ने दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत से थल सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। यह उन्हें सशस्त्र बलों के दो अन्य प्रमुखों की तुलना में वरिष्ठता के क्रम में भी सबसे आगे रखता है। जबकि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस साल 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख का पद संभाला था। इसके अलावा एडमिरल R हरिकुमार 30 नवंबर को नौसेना अध्यक्ष बने थे। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख से लेकर पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश तक चीन आक्रामक रूप से यथास्थिति बदलने की लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में थल सेना की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसलिए भी जनरल MM नरवने का नाम CDS पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी को कई भूमिकाएं निभानी होती है। CDS रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होने के साथ ही रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार भी होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।